Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the remaining part of our excretory products and their elimination. तो हम यहाँ पे थे कि कहाँ पे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं. तो मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन था ही नहीं, ट्यूबुलर फॉर्म से ही एक्सक्रीशन का फॉर्म हो रहा था. एक ही ओपनिंग थी, सब देखा था हमने, ठीक है. कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं थे. कहाँ से आना स्टार्ट हुए? प्लेटे हेलमेंथीस, ठीक है. एनिमल किंगडम बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे याद रखेंगे. प्लेटे हेलमेंथीस से ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्टार्ट हुए. फ्लेम सेल, इसको प्रोटोनाफ्रीडिया भी कहते हैं. और प्लेटे हेलमेंथीस की कैटेगरी में क्या क्या आता है? टेपवर्म आता है, प्लेनेरिया आता है, लिवर प्लग आता है. कुछ रोटीफर्स में भी, रोटीफर्स वो होते हैं जो सीलेंट्रेट्स की कैटेगरी में हैं, पानी के अंदर हैं. जू प्लैंकटॉन है, छोटे छोटे पतले पतले. और कुछ एनालिडा में भी प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल मिलते हैं. कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स हमारा कौन है? सिफेलोकॉर्डेट्स हमारे कॉर्डेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है. प्रोटोकॉर्डेटा की कैटेगरी में है. तो सिफेलोकॉर्डेट्स जिसका एग्जाम्पल एम्फियोसिस है, वो भी, उसके पास भी फ्लेम सेल होते हैं, याद रखना, ठीक है. एंड रिमेनिंग पार्ट इज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया एनालिटा के पास प्रेजेंट है. मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है जिस वन इज अ ग्लोमेरुलस जैसा स्ट्रक्चर, आई मीन वोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का बना हुआ पार्ट. इस तरीके से ये किस में मिलता है? टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट में मिलता है, जैसे कॉकरोच हो गया, लिजर्ड जो कॉकरोच हो गया, फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, दिस वन इज अ टेरिस्ट्रियल एंट हो गया, टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स. एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले रिपीट हुआ है. इस द कैटेगरी ऑफ अ क्रूस्टीशियन की कैटेगरी में मिलता है. क्रूस्टीशियन मतलब प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैप्स. ओके, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स को क्रूस्टीशियन कहते हैं बच्चों, याद रखना. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी पार्ट को ध्यान से सुनना है और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर है. डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी आपको थ्योरी आ जाएगी अंदर, है ना. तो डायग्राम्स को प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे. देखो, एक टफ सी कैप्सूल है यहाँ पे प्रेजेंट, इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं. बाहर वाला पार्ट, किडनी को ना ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करके देखा है, तो किडनी के बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला, ठीक है. एंड मेड्यूला में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर है, सो नेम इज अ मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है. यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ बेटा, यहाँ पे सारे ही ये जो है मेडुलरी पिरामिड के नीचे नीचे ऐसे डक टाइप की, ट्यूब टाइप की लगी हुई है. दिस वन इज अ कॉल्ड अ माइनर कैलिक्स, दिस वन इज अ कॉल्ड अ माइनर कैलिक्स. सारे माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन हो रहे होते हैं. दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर कैलिक्स, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ द मेजर कैलिक्स, ठीक है. यहाँ पे जो फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इज कॉल्ड अ पेल्विस. ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर इन द किडनी इज कॉल्ड अ पेल्विस, ठीक है. यहाँ पे बेटा ये जो दिखाई दे रही है आपको रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपकी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है किडनी में, बट इसके पास क्या है? यूरिया. अब यूरिया को बाहर निकालना है, बाकी रिमेनिंग ब्लड जो है वो वापस चला जाएगा, ठीक है. एंड इन्फीरियर वीना कैवा, यानी कि इसमें क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, ठीक है. एंड ये वाला जो पार्ट है, शैलो वाला पार्ट, एक बार इससे भी क्वेश्चन आया था, दिस पार्ट इज अ कॉल्ड अ हाइलम. ये शैलो पार्ट, इसको कहते हैं हम हाइलम. ओके, तो इसी हाइलम से यूरेटर निकल रही होती है. एंड यूरेटर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और थिकनेस बहुत कम होती है बेटा यूरेटर की. यूरेटर की थिकनेस कितनी होती है? 3 mm, 3 mm थिकनेस. एंड दिस वन इज द लेंथ ऑफ यूरेटर. ओके, दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द थिकनेस. थिकनेस बहुत कम है. एंड रिमेनिंग पार्ट बोथ यूरेटर आर ओपन इन टू अ यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के आगे एक ओपनिंग होगी, इसको यूरिथ्रा कहते हैं. यूरिथ्रल ओपनिंग फीमेल्स में छोटी होती है, मेल्स में लंबी ट्यूब जैसी जा रही होती है, पेनिस से होती हुई जा रही होती है. एंड यूरिथ्रा में यहाँ एक स्पिंक्टर लगा होता है, जिसको यूरिथ्रल स्पिंक्टर कहते हैं, ठीक है. तो रिमेनिंग पार्ट क्या क्या यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार कवर करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों. एंड दिस वन इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ किडनी, वन पेयर ऑफ अ यूरेटर एंड वन इज अ यूरिनरी ब्लैडर एंड वन इज अ यूरिथ्रा. किडनी इज अ रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकेशन पता हो, ठीक है. थोरेसिक कितनी होती है? 12. तो लास्ट वाली थोरेसिक से लेके थर्ड लुम्बर तक के बीच में किडनी सिचुएटेड होती है.
और लास्ट थोरेसिक से, 12 नंबर की थोरेसिक से हमारी 12 नंबर की रिब्स भी जुड़ी होती है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो उसी एरिया में ही किडनी है, फ्लोटिंग रिब्स किडनी को प्रोटेक्शन भी दे रही होती है बेटा, थोड़े पीछे साइड में होती है, सो इज वर्टिब्रा क्लोज एट द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। बाकी जो हमारे लिवर और ये सब है वो आगे आगे यानी कि वेंट्रल वाले पार्ट में है, और ये हमारे डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड होती है एब्डोमेन कैविटी के। किडनी का अगर साइज मेजर करोगे बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, इसका आधा कर दो, विथ आ जाएगी 5 to 7 विथ आ जाएगी, और थिकनेस निकालने के लिए इस विड्थ का आधा कर दो, तो 2 to 3 सेंटीमीटर इज द थिकनेस। ऑन एन एवरेज इज 120 to 170 ग्राम इज द वेट ऑफ द किडनी। राइट किडनी इज अ स्लाइटली ब्लो देन द लेफ्ट वन, बिकॉज राइट साइड में हमारा लिवर सिचुएटेड होता है। ओके, टूअर्ड द सेंटर ऑफ अ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी नोच, कॉन्केव सरफेस ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइलम, दिस वन इज कॉल्ड अ हाइलम। हाइलम से क्या निकल रही होती है, यूरेटर निकल रही होती है, ब्लड वेसल्स भी यहीं से निकल रहे होते हैं, नर्व की एंट्रीज हो रही होती है। इनर ऑफ द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल, इसके अंदर देखो ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है हाइलम के अंदर, इज कॉल्ड अ रीनल पैल्विस। ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, इसके साथ जो प्रोजेक्शन बढ़ रहा है इज कॉल्ड अ कैलिक्स। द आउटर लेयर ऑफ अ रीनल किडनी इज कॉल्ड अ रीनल कैप्सूल, दिस वन इज वेरी टफ। इनसाइड द किडनी दो जोन आ गए थे याद है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, मेड्यूला में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर थे, सो इज कॉल्ड अ मेड्यूलरी पिरामिड्स। ओके, दिस वन, ये एक अलग से भी एग्जाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, क्या है, कॉलम ऑफ बार्टेनी जिसको रीनल कॉलम कहते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आता है, किसका एरिया है, मेड्यूला का एरिया नहीं है, कॉर्टेक्स का एरिया है जो मेड्यूला के अंदर एक्सटेंडेड है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम रिमेनिंग पार्ट, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन अ बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, याद रखना कॉर्टेक्स का एरिया जो मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में है, एज अ रीनल कॉलम एज कॉल्ड अ कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ईच किडनी हैज अ नियरली 1 मिलियन ऑफ अ नेफ्रॉन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, दोनों किडनी में कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, पूरे नेफ्रॉन ही भरे हुए होते हैं किडनी में, बाहर निकाल के देखो किडनी की सेल कैसी है, इस शेप की है नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन के मेजरली दो तो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। ग्लोमेरुलस क्या है, आर्ट्रियोल्स का कलेक्शन है, आर्ट्रियोल का कलेक्शन है, ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर्ट्रियोल का कलेक्शन जहाँ पे अंदर ब्लड भरा हुआ है ग्लोमेरुलस में। एंड बाहर क्या है, वोमन कैप्सूल, वोमन कैप्सूल मैं जूम करके दिखा रही हूँ बेटा आपको, एफरेंट आर्टियोल वो है जहां से ब्लड आता है, आना, ए फॉर आना, ई फ्रेंट आर्टियोल वो है जिससे ब्लड बाहर जाता है, ई फॉर एग्जिट। तो ए फ्रेंट आर्टियोल इज अ ब्रॉड, ये भी चीज याद रखना, ई फ्रेंट आर्टियोल इज नैरो, जल्दी से ब्लड जाना है इसीलिए नैरो है। वोमन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी बताऊंगी, इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स भी होते हैं। ये है हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये हाईली कॉइल्ड होता है, एंड देन नीचे क्या जा रहा है, लूप ऑफ हेनले। दो टाइप के नेफ्रॉन देखोगे, स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी बेटा आगे मैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का है, हमारी बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की लेंथ आपको लंबी दिखाई दे रही है, आगे एक और नेफ्रॉन दिखाऊंगी, ठीक है, जिसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी होगी। तो लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे से जाके थिन दिखाई दे रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ब्रॉड हो जाता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के नियर अबाउट जो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वासा रेक्टा कहते हैं। एंड देन दिस वन इज अ डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इज ओपन इन टू अ कलेक्टिंग डक्ट। ओके, एंड इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बताया था 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, ग्लोमेरुलस कैपलरीज का बना हुआ गुच्छा है, एट्रियोल्स का, एंड ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे एंड एफ्रियोन्ट आर्ट्रियोल, यानी कि एफ ए ई फ्रेंड आर्ट्रियोल से ब्लड जाता है अवे बाय, है ना,
एंड ए फ्रेंड से ब्लड आता है। ओके याद रखो, द रीनल ट्यूब्यूल्स इज बिगेन विद अ डबल, बताया था आपको बेटा, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर को हम वोमन कैप्सूल कहते हैं, विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, विच एनक्लोज विद द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल का मिला हुआ पार्ट को मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं, याद रखना, और इसको रीनल कॉप्सल्स भी कहा जाता है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल नेटवर्क इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एक ट्यूब्यूल्स जो कि हाईली कॉइल बताया था मैंने आपको, दिस वन इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ए हेयर पिन शेप्ड लूप ऑफ हेनले, ये देखो हेयर पिन जो जूड़े में लगाते हैं, हेयर पिन शेप इज आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके एंड इसके बाद एक क्वाइल स्ट्रक्चर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ अ मैन इन नेफ्रॉन इन टू अ स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड अ कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किससे जुड़ी होती है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है, ठीक है। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू अ रीनल पैल्विस, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट रीनल पैल्विस में, माइनर कैलिक्स, माइनर पैलिक, माइनर कैलिक्स में ओपन होती है, देन मेजर कैलिक्स एंड देन फाइनली पैल्विस। थ्रू द मेडुलरी पिरामिड से होते हुए जाके कैलिक्स में, बता रहे हैं आपको। द मेल्फिजियन कार्पसल्स पीसीटी डीसीटी ऑफ अ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन अ कॉर्टिकल रीजन, ये ऊपर ऊपर वाले एरिया में होते हैं, कॉर्टिक्स वाले रीजन में, एंड द लूप ऑफ हेनले फाइंड इन अ मेडुलरी रीजन। और कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टिक्स से स्टार्ट होके मेडुलरी वाले पार्ट में जा रही होती है। इन द मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, ये बात मैं आपको बता रही थी, लूप ऑफ हेनले छोटा मिलता है किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, मेजोरिटी ऑफ अ नेफ्रॉन हमारे कैसे हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी होती है। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले लंबे होते हैं उसको कहते हैं हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है देखो बेटा, ये लूप ऑफ हेनले की लेंथ बहुत छोटी है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।